चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जीतू पटवारी बोले, मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी, बीजेपी को धोखेबाजी का अभियुक्त बताया। सीएम बोले, संकल्प लेते हैं तो पूरा करते हैं। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया, कांग्रेस ने इसे झूठ की गारंटी बताया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट रखा है, हम कोई संकल्प लेते हैं तो उसे लागू भी करते हैं। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि चाहे किसानों के ऋण माफी की बात हो, उनकी बीमा सहायता राशि की बात हो, ओला पाले का प्रहार हो या गेहूं की खरीदी का धोखा हो, चाहे धान की खरीदी का धोखा हो, 7100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का बोला था, नहीं हुआ, 2700 रुपए का गेहूं बोला था, नहीं हुआ, सबका एक अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कंगना रानावत के बयान पर विक्रमादित्य सिंह का निशाना, अटल जी का तो सम्मान करो। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर भी चुनावी रार चालू हो गई है। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित होने के अगले दिन ही विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रानावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कंगना रानावत के उस बयान का पलटवार किया जहां अभिनेत्री ने कहा था कि भारत को असली आजादी साल 2014 में मिली है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि आजादी 2014 में मिली, अरे हमारे नेताओं की इज्जत नहीं करते हो तो न करो, लेकिन कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी का तो सम्मान करो। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री रहे, कम से कम उनको तो याद करना चाहिए, उनका तो सम्मान करना चाहिए। उनके शासनकाल में देश में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, कम से कम उनका तो आदर किया जाए। आज देश में अंधभक्ति की सोच चल रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईरान से सही वक्त पर अपने तरीके से कीमत वसूलेगा इजराइल, ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भड़का यहूदी देश। जी हां दोस्तों, इजराइल के युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गेजिट्स ने अपने एक बयान में घोषणा की कि इजराइल को रणनीतिक गठबंधन और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए जिससे वह ईरान के हमले का पूरी ताकत से जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि ईरान एक वैश्विक समस्या है, यह एक क्षेत्रीय चुनौती है और यह इजराइल के लिए भी खतरा है, और कल दुनिया स्पष्ट रूप से इस खतरे का सामना करने के लिए इजराइल के साथ खड़ी थी। इजराइल ईरान के खिलाफ, दुनिया ईरान के खिलाफ, यही नतीजा है। यह एक रणनीतिक उपलब्धि है जिसका हमें इजराइल की सुरक्षा के लिए लाभ उठाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यहूदी देश के मंत्री ने आगे कहा कि यह घटना खत्म नहीं हुई है। जिस रणनीतिक गठबंधन और क्षेत्रीय सहयोग प्रणाली को हमने बनाया और महत्वपूर्ण परीक्षण में खरा उतरा, उसे अब और मजबूत करने की जरूरत है। इजराइल ने कल साबित कर दिया कि वह सैन्य और तकनीकी शक्ति के साथ ही मध्य पूर्व में सुरक्षा का एक अहम हिस्सा भी है। ईरान के खिलाफ तुरंत बदले की कार्रवाई नहीं करने का संकेत देते हुए गेट्स ने कहा कि ईरान के खतरे का सामना करते हुए हम एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाएंगे और ईरान से उस तरीके और समय पर कीमत वसूलेंगे जो हमारे लिए उपयुक्त होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई से यूपी बिहार जाने वाले पैसेंजर्स के लिए गुड न्यूज, रेलवे चला रही है 92 समर स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और त्योहारों को देखते हुए ट्रेनों में पैसेंजर्स की भीड़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि रेलवे ने भी इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल दोस्तों, मध्य रेलवे ने पैसेंजर्स की एक्स्ट्रा भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिनकी डिटेल्स आप इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारी रिटर्न का लोभ देकर धोखाधड़ी, चीनी नागरिकों के साथ डेटा की सौदेबाजी, नेपाली नागरिक सहित दो गिरफ्तार हुए। जी हां दोस्तों, मुंबई की साइबर पुलिस ने शनिवार को एक नेपाली व्यक्ति सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर बड़े पैमाने पर स्टॉक धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी चंद्रशेखर और उसके नेपाली साथी दिलीप कुमार को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। साइबर पुलिस ने चंद्रशेखर के अकाउंट से 4.5 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल का पता लगाया जो कई भारतीयों को धोखा देने के बाद जमा किया गया था। दोनों आरोपी पिछले 2 वर्ष से एक्टिव हैं और लोगों को निशाना बनाकर अपने अकाउंट्स में पैसे जमा कर रहे थे। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के मुताबिक इस धोखाधड़ी की वजह से अपना पैसा गंवाने वाले लोगों की कम से कम 72 शिकायतें हैं। साइबर प्लस ने कहा है कि ऐसे कई बैंक हैं जिनमें शेखर के अकाउंट्स थे और पैसा उनमें जमा किया जाता था। ये दोनों आरोपी नए कॉर्पोरेट खाते खोलते थे और कॉल करने वालों की एक अलग टीम उनके लिए काम करती थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मायावती ने खेला विभाजन का कार्ड, कहा सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी को बनाएंगे अलग राज्य। जी हां दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के विभाजन का कार्ड खेला। मायावती ने मुजफ्फरनगर की रैली में कहा कि बसपा की सरकार बनने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग नई नहीं है। उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की मांग रह रहकर उठती रही है और चुनावी रैली के दौरान मायावती ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली में अपने खाते की तीनों सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वह बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी नेता राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार की पैरवी की। इस सीट से पार्टी के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप से यह सीट कन्हैया को मिल गई। कांग्रेस ने चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट दिया। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपनी ताजा लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में दिल्ली के 3 उम्मीदवारों के अलावा पंजाब के लिए 6 और उत्तर प्रदेश के लिए 1 उम्मीदवार शामिल है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाहते थे कि कन्हैया कुमार ही मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़े और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाने की पैरवी भी उन्होंने की। स्क्रीनिंग कमेटी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मामला उलझ गया। कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं और यहीं से वह लोकसभा का चुनाव लड़ने के मूड में थे, लेकिन कांग्रेस यह सीट राजद से नेगोशिएशन नहीं कर पाई। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपके अनुसार मनोज तिवारी जीतेंगे या फिर कन्हैया कुमार, आपकी क्या है इस बारे में राय। यूटिलिटी बिल भरने के लिए करते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, ये दो बैंक वसूलेंगे सरचार्ज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी टेली कम्युनिकेशन, बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट सर्विसेज, केबल सर्विसेज जैसे यूटिलिटी बिल भरने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के बैंक यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल दोस्तों, दोनों बैंकों ने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल के पेमेंट पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। यह नियम 1 मई से लागू हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि दोनों बैंकों के क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल का पेमेंट करने पर अब आपको सरचार्ज देना होगा। इससे पहले कई बैंकों ने यूटिलिटी बिल, इंश्योरेंस और रेंट पेमेंट पर रिवार्ड पॉइंट्स देना बंद कर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भाजपा के घोषणा पत्र में UCC का वादा, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो जारी किया। इसे भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी नाम दिया गया। मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण मौजूद थे। दोस्तों, संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से आए 3 लोगों को दी गई। ये वे लोग थे जिन्होंने मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा लिया था। पार्टी ने पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी बातें रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री मंच पर आए। 46 मिनट की स्पीच में पिछले 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा देते हुए उन्होंने कहा कि हमने 370 को हटाया, महिला आरक्षण जैसे वादे पूरे किए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 185 ड्रोन, 110 बैलिस्टिक और 36 क्रूज मिसाइलें, ईरान के इसराइल पर हमले से दुनिया भर में मची खलबली। जी हां दोस्तों, सीरिया में ईरान के ठिकानों पर इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद से पश्चिम एशिया में कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही थी। अब यह आशंका सच साबित हो गई है। ईरान ने इजराइल पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। हालांकि इजरायली सैन्य अधिकारियों ने सिर्फ एक सैन्य ठिकाने को मामूली नुकसान पहुंचने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक बच्ची के घायल होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इजराइल पर 185 ड्रोन के जरिए हमला किया। इसके साथ ही तेहरान की ओर से 110 जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी दागी गई। क्रूज मिसाइल फायर करने की भी बात की जा रही है। वहीं दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इजराइल पर 185 से हमला किया। इसके अलावा 110 जमीन से जमीन पर मार करने वाली और 36 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई है। यानी कि दोस्तों, हमास इजराइल के बाद अब ईरान इजराइल युद्ध भी शुरू हो चुका है।